कांग्रेस नेता संजय गांधी के पुण्यतिथि पर पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने संजय गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, अश्क अली टाक, मुमताज मसीह, प्रताप पूनिया, ललित तूनवाल, राम सिंह कसवा, जसवंत गुर्जर, राजेश चौधरी, मंजू शर्मा सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। झालावाड़ के बकानी में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल वामन मोदी नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता लगने पर परिजन उसे फांसी से उतारकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन उसे शमशान लेकर गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी शमशान घाट पर पहुंची और मामले की जानकारी को लेकर जांच में जुट गई। मिलेगी वामन मोदी, पिता विनोद मोदी, उम्र 20 साल, निवासी बकानी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मन एसआई मैं जाप्ता का रवाना होकर पहुँचे तो वामन मोदी की लाश परिवारजन शमशान घाट पर लेकर बैठे हुए थे, जिनको जाकर के लाश को देखा गया, कपड़ा हटाए गए, पंचनामा मुर्दित किया गया। राजधानी जयपुर के मुहाना थाना पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए दो शातिर वाहन चोरों को धर दबोचा है और उनके पास से दो चोरी की हुई बाइक बरामद की है। थानाधिकारी लखन सिंह खटाना ने बताया कि शातिर वाहन चोर मनीष मालावल तथा सुनील प्रजापत को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी सुनसान क्षेत्र में और भीड़भाड़ में खड़ी मोटरसाइकिल को चुराने में माहिर है। भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ श्री राजपूत कर्णी सेना ने आमेर में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया की ओर से महाराणा प्रताप के खिलाफ बयानबाजी करने और अब कछावा वंश राजा मानसिंह के खिलाफ टिप्पणी करने पर श्री राजपूत कर्णी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। श्री राजपूत कर्णी सेना के पदाधिकारियों ने मांग की है कि भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया को भाजपा पार्टी से बहिष्कृत किया जाए। जिला संयोजक जितेंद्र सिंह ने बताया कि आए दिन इस प्रकार की टिप्पणी कर माफी मांग लेना एक वरिष्ठ नेता का परिचय नहीं होता है। श्री राजपूत कर्णी सेना इसे कतई माफ नहीं करेगी। अलवर शहर में पानी की समस्या गहराई हुई है। इस मामले को लेकर बीते 5 दिनों से शहर विधायक संजय शर्मा सहित पार्टी के कार्यकर्ता साथ ही में जनप्रतिनिधि धरना भी दे रहे हैं। इसी को लेकर धरने पर प्रशासनिक और जलदाय विभाग के अधिकारी पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इस दौरान विधायक संजय शर्मा का कहना है कि धरने के बाद कुछ स्थानों पर व्यवस्थाओं में सुधार हुआ, लेकिन अभी भी अधिकांश इलाके लोग जलदाय विभाग की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। विधायक का कहना है कि जब तक कार्यकर्ता और आमजन संतुष्ट नहीं होंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। आने वाले समस्याग्रस्त जो क्षेत्र है उनको दूर करने के लिए क्या कार्य योजना है वो लिख के आए। आज उन्होंने आने की शिकायत में हम सबसे विशेष में लेके आएंगे, फिर वार्ता होगी। मुझे पूरा विश्वास है, चाहे जिला प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जलदाय विभाग हो, अलवर शहर की आम जन की जो पेयजल की मांग है उसके अनुरूप पेयजल आपूर्ति करेंगे। डूंगरपुर जिला स्पेशल पुलिस टीम ने अवैध शराब तस्करी और बजरी परिवहन पर 3 कार्रवाई की। डीएसटी ने बजरी से भरे एक डंपर और शराब तस्करी के मामले में 2 स्कूटी को जब्त किया है। तीनों मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की ओर से जिले में अवैध शराब तस्करी और बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत डीएसटी ने राजपुर घाटी में कार्रवाई की, जिसमें बजरी से भरे एक डंपर को जब्त किया गया और चालक को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा राजपुर घाटी में 2 स्कूटी को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें अवैध शराब मिली। इस पर दोनों स्कूटी चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि दी। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने वृक्षारोपण कर अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। राष्ट्र की एकता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। ऐसे में प्रदेश भाजपा की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आज देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री मोदी जी काबिज हैं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन यदि इतिहास के पन्नों पर पीछे मुड़ के चलें तो 70 साल की राजनीति में एक ऐसा भी दृश्य था जब कांग्रेस की नेहरू जी की तूती बोलती थी, उस जमाने में दूसरे राजनीतिक दलों के अस्तित्व को सीधे सीधे चुनौती होती थी, कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज वही विचार और वही दल 3 से 303 तक पहुंचा है। उसके पीछे राष्ट्रवाद के अंत्योदय के विचार की प्रेरणा एक बड़ी ताकत है और यही कारण है कि दुनिया के राजनीतिक इतिहास में ये बिरला उदाहरण था कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति अपने दल के एजेंडे के लिए अपने आप को आहूत कर दे, बलिदान कर दे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे ही शख्स थे। राजसभा में मुखर्जी चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की और उनको श्रद्धा के साथ याद किया। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी त्याग और बलिदान की भावना रखने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। इस दौरान पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल, अशोक राका, भानु कुमार पालीवाल सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टोंक की पिपलू तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों की अब खैर नहीं। इसको लेकर तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की ओर से अतिक्रमियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया। पिपलू तहसीलदार नारायण राम दैया ने बताया कि यदि सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ महज कागजी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में हजारों बीघा सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। ठोस कार्रवाई के अभाव में सालाना अतिक्रमण में बढ़ते ही जा रहे हैं मामले। उन्होंने बताया कि पिपलू तहसील प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर क्षेत्र के रामकिशनपुरा में 22 बीघा चारागाह, काशीपुरा में खेल मैदान की 3 बीघा भूमि, नानेर में गौण कृषि मंडी के प्रस्तावित 4 बीघा गैर मुमकिन खलिहान पर कार्रवाई की। साथ ही झुराना और सोहिला में आम रास्ते का अतिक्रमण भी हटा है। इस अभियान में सबदपुरा, सौंधीफल, सोहिला में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के अभियान को एक आमजन की समस्या के तौर पे समझ के मैंने सोहिला, रामकृष्णपुरा, जीराना एवं पीपलू के कुछ क्षेत्रों में अब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। आगे आज से समतपुरा, सोहिला में एक अन्य प्रकरण, सौंधीफल में हटाने का रूपरेखा है। पुष्कर में 2 दिन पहले नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में बुधवार को ग्रामीण पुलिस थाने के बाहर जुटे गए। इस दौरान 400 से 500 गांव वालों ने प्रदर्शन किया, जिसको देखते हुए पुलिस ने ग्रामीणों पर हल्का बल प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया। गांव वाले गिरफ्तार किए गए आरोपी को फांसी देने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जो भी वकील आरोपी के पक्ष में पैरवी करेगा उसका भी विरोध किया जाएगा। ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन से बात चल रही है। आरोपी के बारे में वकील किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं करे। हमारी मांग है कि आरोपी को सजा मिले जिससे किसी भी प्रकार के कुकृत्य की पुनरावृत्ति ना हो। आपको बता दें कि मंगलवार को पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था। हमारे ग्रामीणों ने, सबने, आसपास के गांव के लोग, जो सीआई साहब ने 12 घंटे का टाइम लिया था, उन्होंने हत्यारे को गिरफ्तार करके और उसको खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी के मद्देनज़र हम सब लोग आज सीआई साहब से, पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इसमें इस केस को मजबूत तरीके से बना के न्यायालय में जल्दी जल्दी पेश करें और इसको केस ऑफिसर के तहत इसमें इसकी मॉनिटरिंग की जाए। डूंगरपुर में मानसून के साथ ही अब किसान खेतीबाड़ी में जुट जाएंगे और इसी के साथ
किसानों को सबसे बड़ी जरूरत खाद की होगी, लेकिन जिले में जरूरत से काफी कम 30% खाद ही अभी उपलब्ध है। ऐसे में खाद की कमी होने पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डूंगरपुर जिले में कृषि विभाग ने इस वर्ष 1.34 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुवाई का लक्ष्य लिया है और इसके लिए जिले को 1900 मैट्रिक टन खाद की जरूरत होगी, लेकिन जिले में अभी मौजूद खाद की स्थिति कुछ खास नहीं है। खाद जरूरत के अनुसार काफी कम उपलब्ध है। जिले के कृषि विभाग के उपनिदेशक गौरीशंकर कटारा ने बताया कि जिले को 700 मैट्रिक टन डीएसपी और 1200 मैट्रिक टन यूरिया खाद की डिमांड है, यानी किसानों को खरीफ की फसल में यूरिया की जरूरत ज्यादा रहेगी, लेकिन जिले में अभी दोनों खाद के 300-300 मैट्रिक टन ही उपलब्ध है, जो की जरूरत से काफी कम है। हालांकि उन्होंने बताया कि खाद के लिए डिमांड को भेज दिया गया है। जहाँ तक डीएपी का सवाल है, जिले के अंदर अभी हमारे पास 300 मेट्रिक टन उपलब्ध है और आवश्यकता अनुसार हम उच्च अधिकारियों से संपर्क में है और इसकी आपूर्ति करवा दी जाएगी। यूरिया हमारे जिले के अंदर लगभग 1000-1200 मेट्रिक टन की खरीद के अंदर आवश्यकता रहती है, उसमें अंदर 400 मेट्रिक टन हमारे पास उपलब्ध है जिले के अंदर, और बाकी की व्यवस्था है वो मांग अनुसार अलग अलग स्तर पर करवा दी जाएगी।